नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ये शेर चंपई सोरेन पर बिल्कुल फिट बैठती है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का यह शेर चंपई सोरेन ने पिछले दिनों एक खास तस्वीर के साथ शेयर किया था। सीएम हेमंत इस तस्वीर में चंपई का कुछ अलग अंदाज के साथ अभिवादन करते दिख रहे थे। चंपई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं। अब चंपत सोरेन का नाम झारखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए लगभग फाइनल हो चुका है। आज उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि चंपई सोरेन सरायकेला खरसावा जिले स्थित जिलिंग घोड़ा गाँव निवासी आदिवासी सीमल सोरेन खेती किसानी किया करते थे। उनके चार बच्चों में बड़े बेटे का नाम चंपई सोरेन है। चंपई भी अपने पिता के साथ हाथ बटाते थे। दसवीं क्लास तक सरकारी स्कूल में चंपई ने पढ़ाई लिखाई की। इस बीच उनका विवाह कम उम्र में ही मानकों से कर दिया गया। शादी के बाद चंपई के चार बेटे और तीन बेटियां हुई। इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीति कैरियर का आगाज कर दिया। इसके बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में झामुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रखा गया। चंपई झामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में सियासी भूचाल आया था, बीते दिनों से लगातार झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आज हो सकता है कि देर रात उनको ईडी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि सुबह 12 बजे से ही लगातार पूछताछ चल रही थी। राजभवन हो या सीएम आवास हो, इस पर धारा 144 लगा दी गई है। इस वक्त भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गई है। वहीं राज्यपाल के पास सारे विधायक गए। उसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हो सकता है कि अब कुछ ही दिन में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। जिस तरह से यहाँ पे विवाद भी देखने को मिला था, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, जिस तरह से उलझ रहा था मामला, तो सीएम हेमंत सोरेन ने तीसरा दांव यहाँ पे चल दिया और अपने करीबी चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है उनके। और अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं चंपई सोरेन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।